सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल एम एजुकेशन जीवन में। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास टेंथ की जो आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक है कृतिका, उसका तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। और इस यात्रा वृत्तांत को लिखा है लेखिका मधु कांकरिया जी ने। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जो लेखिका हैं मधु कांकरिया जी, उनकी सिक्किम यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये साना साना हाथ जोड़ी इस अध्याय का पहला पार्ट है, और इसके बाद मैं जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और जो भी नए व्यूअर्स यहाँ पर मेरा ये चैनल देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं आज का यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक या गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। उनके इस यात्रा वृतांत को पढ़कर लगता है जैसे कि हम भी स्वयं हिमालय के पल पल परिवर्तित सौंदर्य को निहार रहे हों। इस पाठ में सौंदर्य और पीड़ा का अनूठा मेल है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि एक तरफ तो हिमालय का सौंदर्य दिखाया गया है और दूसरा कई लोगों की वहाँ पर जो मेहनत कश जिंदगी है उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ ही भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। साथ ही घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है, यानी कि हमारे जो विचार हैं उनमें एक खुलापन आता है और हम दुनिया के बारे में और भी अच्छी तरह जानते हैं। तो लेखिका कहती है उसे लगा कि जैसे सारा आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे थे। जैसा आपने देखी भी होगी, ये बिजली की जैसे झालर होती है वैसी ही झालर यहाँ पे कौन बना रहा था? सितारे। यह रात में जगमगाते गैंगटॉक शहर का दृश्य था। तो इतना मनोरम दृश्य वहाँ का था जो लेखिका वर्णन करती है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनत कस बादशाहों का शहर कहती हैं, जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात, सब कुछ। यानी कि जो लेखिका है वो कहती है कि जो गैंगटॉक है बहुत ही सुंदर जगह है। लेखिका कहती है कि वह रहस्यमय सितारों की रात उसमें सम्मोहन जगा रही थी, यानी कि उसे आकर्षित कर रही थी। ऐसी वह रात थी सितारों की। उनके भीतर बाहर सब शून्य था, यानी कि वह भाव शून्य हो चुकी थी, वह खो चुकी थी उन सितारों में। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, यानी कि अब धीरे धीरे रात खत्म होने लगी और सूरज की जो किरणें हैं वो आने लगी। लेखिका के होंठों पर एक प्रार्थना छूने लगी। तो जैसे सुबह के समय सभी प्रार्थना करते हैं, तो लेखिका भी यहाँ पर प्रार्थना करने लगती है। और क्या कहती है? साना साना हाथ जोड़ी गर्द हूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौसेली। इसका हिंदी अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने ये बोल एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो ये जो प्रार्थना करती है किससे सीखे थे? एक नेपाली युवती से लेखिका ने सीखे थे। अगली सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। तो कहाँ जाना था लेखिका को? युमथांग। पर आंख खुलते ही वह बालकनी की ओर भागी, क्योंकि उसे लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से कंचनजंगा चोटी दिखाई देती है।
जो कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो लेखिका भी देखना चाहती थी कंचनजंगा को। लेकिन जैसा कि वहाँ मौसम तो साफ था, लेकिन आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे, जिस कारण लेखिका को कंचनजंगा के दर्शन न हो सके। लेकिन सामने ही रकम रकम यानी कि तरह तरह के फूल खिले हुए थे। लेखिका को लगा जैसे वह फूलों के बाग में आ गई हो। तो यहाँ पर लेखिका चाहती थी कंचनजंगा चोटी को देखना बालकनी से, लेकिन वहाँ पर बादल छाए थे, वो देख नहीं पाई। लेकिन वहाँ पर उसे कई तरह के फूल खिले हुए दिखाई दिए। बहरहाल जो भी हो, लेखिका कहती है कि बहरहाल गैंगटॉक से 149 यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, जहाँ लेखिका को जाना था। युमथांग यानी घाटियाँ, क्या अर्थ होता है घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। लेखिका को यह बातें उनका ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे बता रहा था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर उनके साथ कौन था, जो ड्राइवर था और साथ ही जो गाइड का भी जो कार्य कर रहा था वो कौन था, जितेन नारगे। तो वो भी यहाँ पर लेखिका के साथ था और उनके कुछ और भी साथी थे। लेकिन लेखिका की इच्छा बर्फ़ देखने की थी। लेखिका चाहती थी कि वह हिमालय घूमने आई है, तो वह बर्फ भी देखना चाहती थी। अब लेखिका का जो सफ़र है आगे बढ़ता है। अब लेखिका वह उनके साथी आगे बढ़ते हैं गैंगटॉक से। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ दिखाई दिए। तो वहाँ पर पेड़ और काफ़ी दिखाई दिए लेखिका को रास्ते में। एक जगह उन्हें कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखी। पताकाएं यानी जो झंडे टाइप के होते हैं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक। कैसा, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे थे। जितेन ने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत पताकाएं यानी कि सफ़ेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, बल्कि ये धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। वहां किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं, यानी कि जब वहां किसी की मृत्यु होती है बुद्धिस्ट की, तो श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। अगर वहां पर कोई नया कार्य किया जाता है तो उस समय वहां पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। नारगे बोलता जा रहा था क्योंकि वो तो गाइड था। वहीं लेखिका की नज़र उसकी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। वहां कई दुकानों में भी लेखिका ने दलाई लामा की तस्वीर देखी। हिचकोले खाते जीप आगे बढ़ी, यानी कि वहां पर जो रोडें थी ऊबड़ खाबड़ थी, तो हिचकोले खा रही थी जीप। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताता है, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो विद्यार्थियों, गाइड फिल्म जो कि देवानंद की है और वहीदा रहमान उसमें नायिका हैं, तो उनकी ये फिल्म है जिसकी शूटिंग कहाँ हुई थी, कवि लॉन्ग स्टॉक। ये जितेन बताता है लेखिका को। इसी जगह तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो यहाँ पर ये संधि पत्र भी हस्ताक्षर किया गया था इसी जगह पर। एक पत्थर यहाँ पर स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ, यानी जो बहुत समय से चलता है उसे बोला जाता है सुदीर्घ, झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। तो यही क्या था, लेपचा और भुटियाओं का क्या था, जो उनका सुदीर्घ झगड़ा चल रहा था उसके बाद जो शांति वार्ता हुई, तो उसका ये क्या था, शुरुआती स्थल था। और यहाँ पर उसका एक स्मारक पत्थर भी लगा हुआ था। उन्हीं रास्तों पर लेखिका ने एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र देखा। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो एक कुटिया के भीतर क्या देखा उन्होंने, घूमता चक्र। नारगे ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो नारगे ने बताया लेखिका को कि यह जो
चक्र आपको दिखाई दे रहा है वह क्या है, धर्म चक्र, और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। उनकी बात सुनकर लेखिका सोचती है कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर वो कहती है कि चाहे कितने भी विज्ञान की प्रगति कर ले, लेकिन जो देश की आत्मा है वह एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। ऐसा कौन कहती है? लेखिका कहती है। लेखिका कहती है कि अब हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। तो अब धीरे धीरे जो लेखिका है उनकी जीप ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। उन्हें कहाँ जाना था? युमथांग। तो अब वहाँ पर जितने भी वो बस्तियाँ थी वह अब धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। यहाँ ऊंचाई से देखने पर नीचे घाटी में स्थित घर पेड़ पौधों के बीच ताश के पत्तों से दिखाई दे रहे थे। तो जैसा कि बहुत ऊंचाई में अब लेखिका लोग पहुंच चुके थे, तो उन्हें जो नीचे घर थे पेड़ पौधों के बीच, वो ताश के पत्तों से दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी मोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप में और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों का काम्य हिमालय, यानी कि सभी की इच्छा होती है हिमालय घूमने की, हिमालय को पास से देखने की। पल पल परिवर्तित हिमालय, जैसा कि जो हिमालय है पल पल परिवर्तित होते रहता है उसका स्वरूप। और देखते ही देखते अब रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे, जैसा कि हिमालय की जो रोडें होती हैं वहाँ पर ऐसे ही रास्ते मिलते हैं, क्योंकि वे पहाड़ों को काटकर बनाए जाते हैं। हिमालय विशालकाय होने लगा। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाने लगी लेखिका और की जीप, तो हिमालय विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। तो पूरी घाटी जो थी वह फूलों से लदी हुई थी। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरना यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो यहाँ पर जो लेखिका है उन्होंने हिमालय के रास्तों के बारे में बताया है कि किस तरह का वहाँ पर अनुभव होता है। तो वहाँ पर फूल खिले रहते हैं, सघन घाटियाँ होती हैं, संकरे कच्चे पक्के रास्ते होते हैं, हरियाली होती है। विद्यार्थियों, जैसा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदरता फैली हुई थी हिमालय की, इस असीम सुंदरता का सभी सैलानियों पर इतना प्रभाव पड़ा कि सब झूम झूम कर गाने लगे। कौन सा गाना? सुहाना सफर और ये मौसम हसी। उम्मीद है आप लोगों ने भी ये गाना सुना होगा। तो सभी गाने लगे क्योंकि उन पर हिमालय का प्रभाव पड़ गया था। लेकिन लेखिका किसी ऋषि की तरह शांत व मौन थी, बिल्कुल शांत थी। वह चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लें। जीप की खिड़की से वह कभी सिर निकालकर आसमान छूते पर्वतों को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात को, यानी कि झरनों को देखती। कभी नीचे चांदी की तरह चमक मारती और चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती तीस्ता नदी को देखती। यह दृश्य देखकर लेखिका कहती है कि मैं अपने को चिड़िया के पंखों की तरह हल्का महसूस कर रही थी। तो विद्यार्थियों, जो लेखिका थी वह हिमालय की इस सौंदर्य में पूरी तरह खो चुकी थी और वह बिल्कुल ऋषि की तरह शांत व मौन थी, जबकि उनके साथी क्या कर रहे थे? वे झूम झूम कर गा रहे थे।
तभी जीप एक जगह रुकती है। वहाँ पर खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ, यानी पूरी गति के साथ गिरता झरना था, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, अर्थात सभी लोग फोटो खींचने लगे। तो जितने भी वहाँ पर उनके सहयात्री थे, सभी बहुत खुश हो गए, और जैसा कि होता ही है कि वे अपने अपने कैमरों से फ़ोटो खींचने लग गए। लेखिका कहती है कि मैं आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। तो लेखिका पूरी तरह खो चुकी थी इस सौंदर्य में। वहाँ पर भारी भरकम जो पत्थर थे उन पर बैठ गई। लेखिका ने थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो ऐसा लगा भीतर तक भीग गई, यानी कि उस ठंडे पानी का जो कि हिमालय से निकलकर आया हुआ था, बहुत ठंडा था, और लेखिका को ऐसा लगा जैसे वह भीतर तक भीग गई हों। लेखिका का मन काव्यमय हो गया। काव्यमय यानी कि जैसे वह चाहती थी कि वह कोई कविता गुनगुनाए। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तो जैसा कि पहले बताया, लेखिका पूरी तरह हिमालय के इन दृश्यों में खो चुकी थी। इसी सौंदर्य में खोई हुई लेखिका कहती है कि उसके भीतर की सारी तामसिकताएं, यानी कि जो कुटिलताएं होती हैं, और दुष्ट वासनाएं, यानी कि जो बुरिच्छाएं होती हैं, इस निर्मल धारा में बह गई। यानी कि उनके भीतर अगर कुछ तामसिकताएं हों या जो दुष्ट वासनाएं थी, वो सब क्या हो गई, इसी निर्मल धारा में बह गई। लेखिका झरने के सामने बैठी थी, तभी जितेन ने लेखिका को ठेलते हुए कहा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो जैसा विद्यार्थियों, लेखिका वहाँ पर सौंदर्य में खोई हुई थी, झरने को देख रही थी, तो जितेन आया। जितेन ने लेखिका से कहा कि आपको आगे के सफ़र में इससे भी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना सुंदर है हिमालय। लेखिका अनमनी सी उठी। अनमनी यानी कि वह उठना नहीं चाहती थी, अचानक से उठी। लेखिका प्रकृति में कहीं चटक हरे रंगों का मोटा कालीन ओढ़े, कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीले दृश्य देख रही थी कि अचानक सभी दृश्यों को बादल ने ढक दिया। अचानक से क्या आ गए, बादल आ गए, और जितना भी दृश्य था वह अदृश्य हो गया और सब बादलमय हो गया। ऐसा लगा मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। जैसा कि हिमालय में जो मौसम है वह पल पल परिवर्तित होते रहता है, तो वहाँ पर अभी तक जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वह सब बादलों से ढक गए। ऐसा लगा जैसे जादू की झड़ी घुमा दी हो किसी ने। अब लेखिका की आगे की यात्रा शुरू हुई। लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। जैसे कि वहाँ पर कभी बादल छा जाते, कभी फिर से सुंदर दृश्य सामने उपस्थित हो जाते, तो लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को देख रही थी। धीरे धीरे धुंध छटी, छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में लेखिका के सामने थे, बिल्कुल साफ हो चुका था। सामने जो पहाड़ था वह दिखाई दे रहा था, हिमालय। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती थी, जैसा कि आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इस तरह की ही। वहीं पर्वत फूलों घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे थे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तो लेखिका कहती है कि यही जीवन का असली चलायमान सौंदर्य है। लेखिका कहती है, मुझे लगा मैं सचमुच प्रकृति के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होंठों को छूने लगी। तो इतना भाव विभोर लेखिका हो गई कि फिर से वह सुबह की प्रार्थना गुनगुनाने लगी, जो कि एक नेपाली युवती से उसने सीखी थी। कौन सी थी? साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका हिमालय के सौंदर्य में खोई हुई ही थी।
तभी लेखिका कहती है कि वह मंत्रमुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांव में ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ किसी नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों, यानी कि जैसे किसी कोई नृत्यांगना हो वह बिल्कुल मन से नृत्य कर रही है, अचानक से उसके घुंघरू टूट जाए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भाव उत्पन्न हुआ। ऐसा क्या हुआ? लेखिका ने प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच कुछ पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते हुए देखा। तो लेखिका क्या देखती है वहाँ पर? इस सौंदर्य के बीच कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही हैं। उनके गुथे आटीसी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर तो डोको बंधे थे। तो विद्यार्थियों, डोको क्या होता है ये देखिए, आप लोग ऊपर देख सकते हैं फोटो में, जिसका प्रयोग किया जाता है सामान के लिए, सामान को रखने के लिए, और इसे पीठ में बांधा जाता है। तो लेखिका ने देखे वहाँ पर कि कई महिलाओं ने अपनी पीठ पर ऐसे डोको बांधे हुए थे, जिन पर उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, क्योंकि वे काम कर रही थी। लेखिका सोचती है कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। तो लेखिका सोचती है एक तरफ तो इतनी सुंदरता और दूसरी तरफ इतना कठिन जीवन। तो विद्यार्थियों, लेखिका ने जब वहाँ पहाड़ी महिलाओं को इस तरह काम करते हुए देखा, पत्थर तोड़ते हुए देखा, तो लेखिका ने वहीं पर खड़े BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा कर रही है। आगे उसने बताया कि पिछले महीने तो एक जान भी चली गई, बड़ा दुसाध्य कार्य है, यानी कि बहुत कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाया जाता है, फिर बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तो ये जानकारी लेखिका को वहां पर BRO के कर्मचारी ने दी। तभी लेखिका को उस बोर्ड का ध्यान आया जिस पर लिखा था, Ever wondered who defied death to build these roads? यानी कि इसका अर्थ था, आप ताजुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यह दृश्य देखकर लेखिका को वह दृश्य याद आया जब एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में उसने देखा था। तो वह एक बार पलामू और गुमला भी घूमने गई थी लेखिका, तो वहाँ के जंगलों में उसने इस तरह का दृश्य देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े पर बांधे, पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां वहां पर देखी थी लेखिका ने। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पहाड़ी औरतों के हाथों में पड़े ठाठे यानी कि गांठियां, निशान एक ही कहानी कह रहे थे। तो दोनों एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी एक जगह एक सी ही है, कि सारी मलाई एक तरफ, यानी कि सारी मलाई एक तरफ का मतलब है कि एक तरफ तो संसार में अमीरी है, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो जिस तरह संसार में एक तरफ तो बहुत ज़्यादा अमीरी है, वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी भी है। तो इसका मतलब यह लेखिका यहाँ पर बताती है। तभी लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन वहाँ आ गए। लेखिका को गमगीन देख जितेन बोला, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता देखिए। लेखिका वो उनके साथी वापस जीप की तरफ मुड़े, तभी उन्होंने देखा कि वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि लगा जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखिका ने देखा जब वे जा रहे थे कि जो वहाँ पर काम कर रही थी पहाड़ी ने, जो श्रम सुंदरियाँ उन्हें कहा गया है, तो बात करते करते किसी बात पर उन्हें हंसी आई, तो ऐसा लगा जीवन लहरा उठा था, यानी कि अपने संघर्षपूर्ण जीवन में भी वे खुश थी। वे लगातार संघर्ष कर रही थी लेकिन
वो अपना अपनी सामान्य जिंदगी वहाँ पर जी रही थी। और लेखिका कहती है कि लगा कि सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। अब वे सभी लगातार ऊंचाई की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक हेयर पिन बेंट ने ठीक पहले पड़ाव पर उन्होंने देखा कि 7-8 वर्ष उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं। तो जब उनकी जीप जा रही थी तो आगे एक हेयर पिन यानी कि पूरा जो घुमावदार मोड़ होता है रोड का वो आया, तो उससे पहले उन्होंने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के कई सारे जो पहाड़ी बच्चे थे घर को लौट रहे थे स्कूल से और उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया ये हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि शाम के वक्त अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगलों से लकड़ी के भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं, ऐसा कौन बताता है, जितेन कहता है। यानी कि जो वहाँ के बच्चे हैं वे भी बहुत मेहनती हैं। लेखिका बताती हैं कि खतरा अब बढ़ने लगा था, रास्ते और संकरे होते जा रहे थे। केवल जीप निकलने लायक चौड़ी सड़क थी, यानी कि बहुत ही वहाँ पर कम चौड़ी सड़क थी, बहुत ही पतली सड़क थी। सामने ही बोर्ड पर लिखा हुआ था, धीरे चलाएं, घर पर बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी वहाँ पर खतरनाक रोड थी जहाँ पर अब लेखिका की जीप चल रही थी। थोड़ी आगे लिखा था, वी केयर, मैनी टर्न अराउंड। तो आगे शायद वहाँ पर नरभक्षी कुछ जानवर रहते होंगे तो इसलिए वहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ था सावधानी के लिए। लेकिन उन्हें नरभक्षी जानवर तो नहीं दिखा लेकिन काले काले ढेर सारे याग दिखाई दिए। तो जैसा कि वहाँ पर ये बना हुआ था, एक बोर्ड बना हुआ था कि मैनीटर अराउंड, लेकिन वहाँ पर उन्हें ऐसा कोई जानवर तो नहीं दिखा, हालांकि वहाँ पर काले काले ढेर सारे याग दिखाई दिए। तो अब सूरज ढलने लगा था। लेखिका ने सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर व गायों को चराकर लाती औरतें देखी। फिर जीप चाय बागान से गुजरी तो वहाँ देखा कि चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू क्या होता है, ये सिक्किमी परिधान होता है, पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो वहाँ पर कई युवतियाँ थी, वो बोकू पहना हुआ था उन्होंने, जो सिक्किमी परिधान होता है, ड्रेस होती है उनकी ट्रेडिशनल, और वे क्या कर रही थी, उस चाय बागान से चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि लेखिका के लिए यह दृश्य, यह सौंदर्य असह्य हो रहा था। तो इतनी वहां पर खूबसूरती फैली हुई थी कि लेखिका के लिए ये असह्य यानी कि असहनशील हो रहा था। अब लेखिका को युमथांग से पहले लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, तो कहाँ पे पड़ाव था लेखिका का, लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जहाँ जिंदगी निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे, लेखिका बताती हैं। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में लेखिका हाथ मुँह धोकर तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल करती तिस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। तो देख सकते हैं कि कितना वहां पर शांत और सुंदर दृश्य यहां पर लायुंग का था। तो लेखिका कहती हैं लायुंग में जब उनका पड़ाव था, वातावरण में अजब शांति थी। लेखिका को लगा वहीं सुख है और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। तो यहां पर लेखिका कहती है कि बिल्कुल अखंडित संपूर्णता यहां पर थी। पेड़ पौधे पशु और आदमी सभी यहां पर थे, सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। लेखिका सोचती है कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य होता है जिसको क्षमा न किया जा सके। तो
लेखिका यहाँ पर मनुष्य द्वारा प्रकृति को पहुँचाए जाने वाले नुकसान का भी वर्णन करती है कि जो हमारी पीढ़ी है उसने भी इस प्रकृति की लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। लेखिका कहती है कि हिमालय अब उनके लिए एक कविता ही नहीं बल्कि क्या बन गया था, दर्शन बन गया था, यानी कि फिलॉसफी बन गया था। अब रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, यानी कि अंधेरा हो चुका था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस घर के से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी से मोहक वह रात महक उठी। तो जो जितेन थे उन्होंने वहाँ पर गाने लगा दिए थे और सभी वहाँ पर उनके साथी नाचने और गाने लग गए थे। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर लेखिका व सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। तो सभी वहाँ पर क्या करने लगे, अब नाचने लगे, जितने भी वहाँ पर लेखिका और उनके साथी थे। उनकी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए वो जानदार नृत्य किया कि वहाँ पर सभी अवाक रह गए। तो जो लेखिका हैं उनकी जो सहेली थी मणि, उन्होंने वहाँ पर इतना अच्छा उस समय नृत्य किया जब इनकी वहाँ पर सब डांस चल रहा था कि सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनकी उम्र तो ज़्यादा थी लेकिन बहुत ही उन्होंने अच्छा डांस वहाँ पर किया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो आपने पढ़ा यात्रा वृतांत मधु कांकरिया जी का, साना साना हाथ जोड़ी, ये इसका पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने लेकर फिर से आऊँगा। तो विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो भी नए विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही इसके दूसरे पार्ट्स के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।